चलती ट्रेन और रेलवे स्टेशन से मुसाफिरों का सामान चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से नकदी गहने और एक चार पहिया वाहन बरामद किया। मामले को लेकर थाना प्रभारी बबीता कठेरिया ने बताया है कि उप पुलिस अधीक्षक शोभा श्रीवास्तव की अगुवाई में सघन चेकिंग के दौरान आरोपी रघु और मोहम्मद शमीम को गिरफ्तार किया गया। यापी वालों को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें अंतरराज्यीय सातिर चोर रघु खोसला तथा मोहम्मद समीम को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 7,30,000 का मसरूका जब्त किया गया है। साथ ही तो उपयोग में चार पहिया वाहन उपयोग की जा रही थी तो उसको भी जब्त किया गया है। रघु खोसला पे तकरीबन 2 दर्जन मामले पंजीबद्ध हैं, जिसमें दिल्ली, आगरा, रतलाम, उज्जैन, भोपाल एवं अन्य जगह पे भी इसे